टॉपिक आता है वो आता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल विथ इंटरेस्ट। अब ये चीज क्या है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन केस में ये है कि जैसे हम किसी पार्टी से, जैसे मेरा ट्रांजेक्शन चलता है, वो पार्टी कभी महीने में एक बार माल खरीदती है, कभी महीने में दो तीन बार माल खरीदती है, कभी दो तीन महीने तक वो आती नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हम ऑब्वियसली बिल बना के देंगे या बिल बना करके रखेंगे। अब मुझे भी ऑब्वियसली रुपयों की रिक्वायरमेंट वगैरह आ जाती है, तो इस केस में मैं एक सिचुएशन डाल रही हूँ सामने वाले बंदे के बेसिस पे कि भाई दो या तीन दिन के अंदर आकर आप मेरे माल का पेमेंट करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर दो या तीन दिन से ज्यादा अगर आपके हो जाता है तो आप उसके साथ मुझे ब्याज दो। ठीक है, तो यहीं पर ये वही कॉन्सेप्ट आता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यानी बिल के हिसाब से आप डिटेल मेंटेन करो और उसके साथ में इंटरेस्ट भी लगा दो। अगर आप गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर वो बंदा रुपए नहीं दे पाता है तो उस पर ब्याज भी लगेगा। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसके अंदर दो टॉपिक मर्ज हो रहे हैं, एक अपना जो इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो मर्ज हो जाएगा और एक अपना मेंटेन बैलेंस मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, एक वो कॉन्सेप्ट अपना मर्ज हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने कंपनी क्रिएट करेंगे, ऑल्टर फन क्रिएट कंपनी, यहाँ पे मैंने टॉपिक के नेम से ही मैं बना रही हूँ। पीछे मैंने लिख दिया श्री अकाउंटिंग, यहाँ पे मैंने जो फॉर्म बनाई है मेंटेन बिल वाइज डिटेल विद इंटरेस्ट के नाम से बनाई है। एड्रेस डालना चाहो डाल दो, यहाँ अपना स्टेट राजस्थान आ जाएगा, पिन कोड वगैरह डालना चाहते हो डाल दो, और यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अकाउंट्स ओनली का। ठीक है, अब विथ इन्वेंट्री रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट अकाउंट्स ओनली रखने का रीजन ये है कि मेरे पास नॉर्मली क्या है, मैं ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ, मैं नॉर्मली जो छोटी मोटी फॉर्म जैसे काम मेंटेन करती हूँ मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स ओनली दे रही हूँ, यहाँ पे मेरे स्टॉक आइटम मेंटेन नहीं करना है। तो जहां हम स्टॉक आइटम मेंटेन करते हैं, आपको भी पता है इन्वेंट्री का काम है, तो वहां अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखते हैं, मेरा स्टॉक आइटम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स ओनली रख रही हूँ। फिर यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2015 ही रख रही हूँ। तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है आपको वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डालना है, फिर एंटर एंटर करके हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया, इसके जस्ट बाद में कुछ ऑप्शंस हमें यस करने होंगे, कौन कौन से, एक अपने विथ इंटरेस्ट वाले ऑप्शन यस करना है और एक मेंटेन बैलेंस बिल वाइज डिटेल ये वाला ऑप्शन हमें यस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली में F11 करेंगे, F11 करने के बाद में हमारा जो सबसे ऊपर नेम आ रहा है अकाउंटिंग फीचर, यहाँ आकर के एंटर कर दिया। यहाँ आकर के एंटर करने के बाद में हमारी ये इस तरह से हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल वाला आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन हमें एक्टिवेट करना है। नीचे वाला ऑप्शन जो है ये नो ही रखेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट यानी जहां पे माल खरीदने बेचने का काम नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स का ही कर रही हूँ काम, तो इस बेसिस में मैं ऑप्शन ये नो रखूंगी। फिर आता है मेरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन को भी मैंने यस किया और इसको भी मैंने यस किया। ठीक है, फिर एंटर एंटर करके हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में हमारे F12 की कुछ स्क्रीन है, हमें उसे भी एक्टिवेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 किया, F12 के अंदर दे रखा अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ आकर के मैं एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद में ये जो ऑप्शन दे रखा अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, इस ऑप्शन को हमने यस करना है। फिर उसके बाद में आप अगर उसके अलावा कोई एडवांस ऑप्शन आपको लग रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए तो उस ऑप्शन का आप नो करके भी काम कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक ऑप्शन और आ जाता है यहीं पर ही F12 के अंदर वाउचर एंट्री, जिसे हम सेकंड स्क्रीन भी कह सकते हैं F12 की, यहाँ आकर के एंटर किया। एंटर करने के बाद में यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं, जिसके अंदर कौन सा है, शो टेबल ऑफ बिल डिटेल फॉर सिलेक्शन, शो बिल वाइज डिटेल, एक्सपैंड इन टू मल्टीपल लाइन, शो लेजर करंट बैलेंस, ये ऑप्शंस को हमें एक्टिवेट करना है। और इसके साथ में शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, हम चाहते हैं कि हमारे जो वाउचर की डेट हो उस हिसाब से हमें बैलेंस दिखाई दे, तब हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंटर एंटर करके हमने फिर इसको सेव कर दिया। ये नॉर्मली जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो ऑप्शन है प्लस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के जो ऑप्शन है उन दोनों को हमने एक्टिवेट किया, ताकि वो हमें लेजर्स के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन है, एडवांस इन्फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे सके। फिर हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर हम यहाँ पे जैसे मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो राम ट्रेडर से हो रहा है, और ट्रांजेक्शन ये हो रहा है कि मैं उनको माल बेचती जा रही हूँ, उनसे खरीद
खरीद रहे हैं और टाइम टू टाइम वो मुझे पेमेंट दे रहे हैं। टाइम टू टाइम पेमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ एक बार माल खरीद लिया फिर उसके 2-3 दिन बाद जाके पेमेंट दे दिया, नहीं। उनके केस में उन्होंने कंडीशन मेरे आगे क्या रखी कि मैम मैं आपसे माल तो खरीद करके लेकर जाऊंगा नो डाउट, पर मेरे पास जब पेमेंट आएगा तब मैं आपका टाइम टू टाइम पेमेंट कर दूंगा। उनके आगे सिचुएशन ये, तो ये हो सकता है वो कभी 2-3 बार माल खरीदे, 2-3 बार माल खरीदा उसके बाद में उन्होंने मुझे पेमेंट किया, और पेमेंट करते वक्त भी ये नहीं उन्होंने मुझे तीन बार जब उन्होंने मुझसे माल खरीदा तीनों का एक साथ पेमेंट कर दिया, नहीं। पहले जैसे 1 अप्रैल को उन्होंने मुझसे माल खरीदा 15,000 का, फिर उसके बाद में उन्होंने 15 अप्रैल को मुझसे माल खरीदा 20,000 का, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने कितने का माल खरीदा, 15 + 20 = 35,000। तो उसके बाद में वो आए मई महीने में पेमेंट लेकर के, उन्होंने मुझे उस समय से 20,000 रुपए दिए। तो क्या पहले किस बिल से एडजस्ट करूंगी, 15,000 वाले बिल से एडजस्ट करूंगी, बाकी ये जो 5,000 वाला अमाउंट है वो मैं सेकंड बिल के साथ एडजस्ट करूंगी, इसके अंदर ये फंडा चलता है। आई बात समझ में? और फिर अब जैसे इंटरेस्ट की बात आती है, अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा, मैंने उनको कंडीशन दे दी कि भाई अभी आप 15,000 कमा लेके जा रहे हो, 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप मुझे पेमेंट कर देते हो तो अच्छी बात है, 3 दिन के बाद में मैं आपकी इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो उस केसेस में क्या होगा कि 15,000 का उन्होंने जैसे 1 अप्रैल को माल खरीदा, अगर वो 4 तारीख तक आकर के अपना पेमेंट नहीं देते हैं तो मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगी। किस पर? 15,000 पर। और वो इंटरेस्ट किस बेसिस पे लगेगा, जो हमने इंटरेस्ट रेट उनसे बात करते हुए डिसाइड की कि 1%, 2% जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट चलती है। इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो मंथली बेसिस पे भी होती है, ईयरली बेसिस पे भी होती है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग कंपनी की आ जाती है कि जब आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं होने पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो तो वहां पे आपको मंथली बेसिस पे रखा जाए तो ज्यादा सही होता है। क्योंकि मंथली बेसिस पे क्या होता है, सपोज इन केस आपका मिड ऑफ द ईयर आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं यार 1% तो कम रेट है, 2% लेना चाहिए इनसे, तो आप अपने फायदे के बेसिस पे अगर देखो तो फिर आप उस समय इंटरेस्ट रेट आपको चेंज करने की इच्छा हो जाए। तो अब आपने स्टार्टिंग में ही डिसाइड मतलब कर लिया 1% ही होगा, आपने फिक्स कर लिया, और मिड में फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा, आपको मंथली बेसिस पे आप रख रहे हो तो ज्यादा सही रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें पार्टी का सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, नॉर्मली हम ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा ऑब्वियसली माल बेचने का होगा, सेकंड ट्रांजेक्शन होगा पार्टी से अमाउंट मिलने का होगा, और थर्ड ट्रांजेक्शन जो होगा वो इंटरेस्ट रिसीव होने का होगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब सबसे पहले हमें लेजर बनाना है, लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, यहाँ पे आकर के मैंने क्या लिखा, राम ट्रेडर का अंडर ग्रुप मैं यहाँ क्या दे दूंगी, संडे डेटर, क्योंकि ये पार्टी क्या करे, हमें माल सेल करे, इस पार्टी ये पार्टी हमें अमाउंट देगी और हम इस पार्टी को क्या करेंगे, माल सेल करेंगे। फिर यहाँ आता है मेंटेन बिल वाइज बिल, इस ऑप्शन को ऑब्वियसली हमें यस ही रखना है। फिर आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कितने दिन बाद में आप इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 दिन, 2 दिन के अंदर आके पेमेंट देते हैं ठीक है, नहीं तो उसके बाद में इंटरेस्ट लगा उनके केस में स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हम यहाँ आकर के यस कर देंगे। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस किया तो देखो इंटरेस्ट पैरामीटर आ गया जिसके अंदर मुझे कुछ डिटेल्स डालनी है इंटरेस्ट बेसिस पे। तो फर्स्ट क्या आ रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते हो वैसे वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो इस ऑप्शन को यस कर दो। फिर आ रहा है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अब इस ऑप्शन को मैं यहाँ यस करती हूँ और इस ऑप्शन को भी एक बार के लिए मैं यहाँ यस करती हूँ। इसका क्या रीजन है ये मैं आपको आगे बता दूंगी। फिर यहाँ पूछ रहा है मुझसे रेट कि आपको कितने परसेंट रेट डालनी है, तो मैं यहाँ मंथली बेसिस पे डाल रही हूँ तो 1%। अगर आप जैसे कैलेंडर आपने पूरा ईयर के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि भाई पूरे ईयर बेसिस में मुझे इतनी इंटरेस्ट रेट लेनी है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डाल सकते हो। तो मैं मंथली बेसिस पे चल रही हूँ और यहाँ पे मैं जो दूंगी वो दूंगी कैलेंडर मंथ, ठीक है। कैलेंडर मंथ देने का रीजन ये है किसी महीने में 28 दिन ही होते हैं, किसी में 29 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। तो महीना जैसे किसी का 28 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो अगर मैं कैलेंडर मंथ नहीं दूंगी 30-day मंथ दूंगी तो 28 दिन के बेसिस में भी वो 30 दिन कैलकुलेट करेगा। और कैलेंडर मंथ में क्या होता है कि महीने के जितने भी दिन होते हैं वो उतने ही दिन कैलकुलेट करेगा, उसी हिसाब से अपने को इंटरेस्ट रेट बताएगा। तो कैलेंडर मंथ इज द बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो, अगर आप एक्चुअल देना रखना चाहते हो। किसी किसी एग्रीमेंट केसेस में आ जाता है भाई आप 365 डे ईयर ही लोगे, 3 डे मंथ ही लोगे, तब आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये 0.1% के केसेस में ये चीजें काम आती है।
तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, कैलेंडर मंथ देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा अपना ऑल बैलेंसेस। ऑल बैलेंसेस का मतलब होता है कोई भी पार्टी जिसका डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। आप सिर्फ डेबिट बैलेंस के बेसिस पर ही करना चाहते हो डेबिट बैलेंस दे दो, क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पर ही करना चाहते हो तो क्रेडिट बैलेंस दे दो। मैं ऑल बैलेंसेस दे रही हूँ कि डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से ही अपने आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लें। उसके लिए यहाँ आ जाएगा ऑल बैलेंसेस। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है आप कब कब इसे एप्लीकेबल करना चाहते हो। तो मैं ये इस ऑप्शन में क्या रखूंगी, ऑलवेज रखूंगी, मैं चाहती हूँ ये हमेशा एक्टिविटी रहे, हमेशा ये कैलकुलेट ही करता रहे। जैसे ही इसके आगे सिचुएशन आए दो तीन दिन से ऊपर हुआ ये कैलकुलेट कर लें। फिर आ रहा है पास्ट ड्यू डेट। पास्ट ड्यू डेट का मतलब होता है जो डेट चली गई, बीती हुई जो डेट चली गई उस हिसाब से कैलकुलेट करना। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऑलवेज रखेंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है कैलकुलेट फ्रॉम। कैलकुलेट फ्रॉम यानी आप किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम यहां रखेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने जैसे 1 अप्रैल को माल खरीद बेचा सामने वाली पार्टी को, 2 दिन बाद में आपका इंटरेस्ट लेट लगना स्टार्ट होगा। तो ड्यू डेट क्या कहलाएगी हमारी, 3 तारीख, यानी कि 4 तारीख से क्या होगा, ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के केस में आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस रखना होगा। ठीक है, और बाकी ये सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं। इसमें दे रखा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी यानी जिस दिन से आप एप्लीकेबल करना चाहते हो उस दिन से ले लो। फिर आ रहा है डेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, आप एक स्पेसिफिक डेट आती है इसके अंदर जिसे हम इफेक्टिव डेट भी कहते हैं, अगर उस हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो ये डाल दो। फिर आ रहा है, ये मैंने अभी आपको ये समझाया ही है। फिर आता है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि एक अलग से अपनी डेट का कॉलम आ जाता है, दूसरा एक वाउचर डेट होती है, वाउचर डेट के साथ साथ एक और डेट होती है जिसे हम इफेक्टिव डेट कहते हैं, जो कहीं कहीं पे दिखाई देती है आपको, ERP 9 के अंदर भी आपको दिखाई दे जाएगी, ERP 9 के अंदर भी आपको दिखाई दे जाएगी, आप उस हिसाब से करना चाहते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर इसके अंदर में देखा जा रहा है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस है। फिर यहाँ पे आता है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में हम यहाँ क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब ये राउंडिंग क्या काम आएगा, जैसे सपोज कोई इंटरेस्ट रेट है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है सपोज 12.15 2 या 3 दिन का, अब वो क्या करेगा, अगर आपने यहाँ राउंड ऑफ एप्लीकेबल कर रखा होगा तो वो क्या करेगा, 13 ले लेगा या 12 ही लेगा, 0.15 कैलकुलेट नहीं करेगा, दिखाएगा ही नहीं। तो आप चाहते हो वैसे सिचुएशन हो तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके काम कर लो, आप चाहते हो वैसे सिचुएशन नहीं हो, पॉइंट के अंदर आ रहा है चलेगा, मैं पॉइंट के अंदर ही करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर एंटर एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर दो। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। अब जब हम एंट्रीज करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के एफर्ट सेल्स करके, तो इस तरह से चीज आ रही है। अब मैं चाहती हूं कि सेल्स का जो वाउचर है जहां सेल्स लिखा हुआ आ रहा है उसके आगे नंबर आ रहा है, नंबर यानी जो इनवॉइस नंबर वो हमसे पूछ रहा है। अब वहां पे मेरा बैक स्पेस से कर्सर ही नहीं जा रहा है, तो उस पे कर्सर ले जाने के लिए मैं क्या करूंगी, स्किप से बाहर आऊंगी, अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर, यहां पे आकर के मैं किस में जाऊंगी, सेल्स के अंदर जाऊंगी। सेल्स के अंदर आकर के मैंने एंटर किया और यहां पे दे रखा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहां पे मैं मैनुअल कर दूंगी। इससे क्या होगा, जहां मेरा कर्सर नहीं जा रहा था कहां, इनवॉइस रेफरेंस में, वहां हमारा चल जाने लग जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में गई, अब देखो मेरा कर्सर जा रहा है। अब यहां पे देखो जो फॉर्मेट आ रहा है, पर्टिकुलर रेट पर अमाउंट का फॉर्मेट आ रहा है। अब मुझे यहां पे फॉर्मेट चाहिए डेबिट क्रेडिट का, तो डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट लाने के लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोल के साथ में वी को प्रेस करूंगी। क्या किया, कंट्रोल के साथ में वी को प्रेस किया, यहां पे फिर मैंने बिल नंबर डाला 1040, फिर यहां पे डेट डाल दी 5/4, यहाँ पे आ जाता है वह पार्टी का नाम, ऑब्वियसली हमेशा पार्टी का नाम ऊपर आता है, राम ट्रेडर। राम ट्रेडर के अंदर जैसे ही मैं करूंगी यहाँ पे 15,000 मैंने जैसे लिखा, 15,000 लिखते ही ये इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये किस वजह से आ रही है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की वजह से। यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही रहेगा, यहाँ पे नेम में यहाँ आ जाएगा अपना बिल का नेम, बिल की जो भी नंबर वगैरह है। फिर आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट मैंने आपको बताई थी जो जिस दिन के बाद में हम इंटरेस्ट बकाया करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग करने वाले हैं वो। फिर यहाँ आ जाता है हमारा अमाउंट। अब देखो ड्यू डेट के नीचे कितनी तारीख बता रहा है, 7 अप्रैल बता रहा है 2 दिन के हिसाब से, कि 7 तारीख के बाद में इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंटर एंटर एंटर। फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पैरामीटर ये शो हो रहा है हमें,
ये किस वजह से शो हो रहा है? आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन किया था, कहाँ पे? जब मैंने यहाँ लेजर क्रिएट किया राम ट्रेडर का, यहाँ पे जब मैंने इस ऑप्शन को यस किया, यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन दे रखे, आप चाहते हो वो जो अभी येलो कलर सॉरी ब्लू कलर की स्क्रीन आई उसके अंदर मैंने स्क्रीन हमें जो दिखाई दे रही थी वो सिर्फ इन दोनों ऑप्शन की वजह से हमें दिखाई दे रही थी। तो हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो वो इस तरह से स्क्रीन आए तो इस ऑप्शन को यस कर दो। आप चाहते हो वो स्क्रीन ही नहीं है, जैसे मैं इस ऑप्शन को नो कर दी, नो करके मैंने सेव किया, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा 15,000। अब देखो एंटर किया, एंटर करते ही देखो सीधा कर्सर आ गया, आपके वो स्क्रीन ही नहीं शो हुई। किस रीजन से? वो ऑप्शन नो थे, वो बस आपको एक तरह से डिटेल बता रहा था कि भाई आपने ये चीजें सेट कर रखी है, आपके ये चीजें आपने सेलेक्ट कर रखी है, जस्ट वो देखने के लिए। फिर क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ सिर्फ ये एक ही ऑप्शन यस हो, बाकी वाला मेरे रिक्वायरमेंट नहीं मांगता। एंटर करके सेव करूंगी, मैंने सिर्फ एक को ही यस किया तो क्या होगा, एंटर करूंगी तो देखो सिर्फ ये एक ही स्क्रीन बता रहा है। ऊपर वाले से क्या हो रहा था, इंटरेस्ट पैरामीटर आ रहा था, नीचे वाले से क्या आ रहा था, जहां हमने रेट डाली थी रेट के साथ साथ ऑल बैलेंसेस इफेक्टिव ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ये सब कुछ हमने सेलेक्ट किया था, वो ऑप्शन आता है। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ इंटरेस्ट पैरामीटर शो, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन को यस किया। कौन सा? ऊपर से जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन था मैंने उसको यस किया। फिर एंटर करके मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी, यहाँ पे मेरा किसका लेजर बन जाएगा, सेल्स का, और सेल्स का अंडरग्रुप क्या आता है, हमारा सेल्स अकाउंट आता है हमेशा, और ये ऑप्शन नो रखेंगे क्योंकि हम सेल्स पर नहीं लगा रहे। एंटर किया, एंटर। फिर उसके बाद में जैसे अब मेरे पास बिल है, उसमें कह रहा है कि भाई 5 तारीख को उसने आपसे माल खरीदा, 10 को आकर के उसने पेमेंट दे दिया, यानी आपको रुपए मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री किसमें करूंगी, रिसिप्ट के अंदर करूंगी। डेट मैंने यहाँ डाल दी 10/4। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम डाल दिया मैंने राम ट्रेडर। यहाँ पे अब देखो जैसे ही राम ट्रेडर कर रही हूँ अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी। फिर यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हमारा जो बिल जो है वो पेंडिंग हो रहा है 5 तारीख से, वो 5 तारीख अब ये बता रहा है, ड्यू डेट वगैरह दिखाई दे रही है कि भाई इतने दिन बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इतने दिन बाद में आपका ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एंटर करके सेव कर दिया, यहाँ अपना आ जाएगा कैश, क्लियर है। अब मिलने कब थे हमें रुपए, 7 तारीख से पहले, मिल अब कब रहे हैं, 10 तारीख, यानी कि ब्याज लगाना बनता है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट तो सीधी सी बात है, अब आपको ही करना होता तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं करते, तो सीधी सी चीज है, देखना हो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है, किसमें जाएंगे, कैटलॉग ऑफ टैली में डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। फिर यहाँ आकर के एंटर, कितना दे रखा है, 15 रुपए क्या हो जाएगा, मैं इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। इससे क्या करें, 15,000 रुपए मांगेंगे सो मांगेंगे, 15 रुपए और मांगेंगे ऊपर से उनसे, तो इसकी एंट्री भी हमें करनी है इंटरेस्ट रिसीव में। इसके से हम बाहर आए, अकाउंटिंग वाउचर में गए, F6 रिसिप्ट करेंगे, तारीख मैंने यहाँ डाल दी 10/4, मुझे रुपए कम मिल रहे 10/4 को, तो इंटरेस्ट भी कम मिलना चाहिए 10/4 को, तो 10/4 मैंने डेट डाली और इसी यहाँ लिख दिया मैंने इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट रिसीव का अंडर ग्रुप यहाँ आकर के क्या हो जाता है अपना इनडायरेक्ट इनकम। फिर एंटर किया, कितने रुपए मिले, 15 रुपए, यहाँ मैंने लिख दिया 15, और नीचे आ जाएगा अपना कैश। ये इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन होगा। अब उसके जस्ट बाद में क्या हो रहा है, जैसे 15 तारीख को वो बंदा आया, उसने मुझसे माल खरीदा, यानी मैंने 15 तारीख को राम ट्रेडर को क्या किया, माल बेचा, एंट्री सेल्स में करूंगी या फिर सेल्स किया। रेट पर अमाउंट आ रहा है तो डेबिट क्रेडिट डालने के लिए कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे मैं बिल नंबर 8052, फिर यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 15/4, और यहाँ पे आकर के आ जाएगा राम ट्रेडर। अब कितने का मैं माल खरीद रही हूँ, जैसे 12,000 का खरीद रही हूँ, यहाँ आ जाएगा 12,000। एंटर किया, फिर यहाँ पे भाई न्यू रेफरेंस, उसका बिल नंबर, 2 तारीख के हिसाब से ड्यू डेट कितनी बताएगा, 17 अप्रैल। एंटर किया, एंटर, और यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर, एंटर, फिर यहाँ आ जाएगा सेल्स, फिर हम यहाँ एंटर करके सेल सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में देखो 15 तारीख के जस्ट बाद में क्या हो रहा है, 20 तारीख को ही वो फिर से माल खरीदना, उसने मुझसे कोई पेमेंट नहीं दिया, उसने
माल खरीदने आया, मैंने उसको माल बेच दिया, इसकी भी एंट्री में कर रही हूँ 24। यहाँ पे मैंने बिल नंबर दे दिया 1067, यहाँ पे मैंने डाल दी 24 डेट, यहाँ पे आ जाएगा राउंड ट्रेडर। फिर इसके अंदर दे रखा है 10,000 का माल उसने खरीदा मुझसे, और यहाँ आ जाएगा न्यू रेफरेंस, फिर यहाँ पे बिल नंबर, और यहाँ की जो ड्यू डेट बताएगा वो 22 अप्रैल बताएगा। 22 अप्रैल क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने जब इस बिल के मुताबिक जो है मैंने 20 अप्रैल को माल बेचा, तो ड्यू डेट यहाँ 22 अप्रैल लेकर के दिखाया। फिर हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर जो हमें शो हो रहा है वो इंटरेस्ट पैरामीटर में एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ आ जाएगा सेल्स, एंटर करके मैंने फिर इसको सेव कर दिया। ये सिचुएशन हुई। अब ये सिचुएशन आने के बाद में क्या हो रहा है, 24 तारीख को बंदा आकर के मुझे पेमेंट कर रहा है, यानी 24 तारीख को मुझे रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो उसके एंट्री में किस में करूंगी, F6 रिसिप्ट में करूंगी। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 24/4, यहाँ पे आ जाएगा राम ट्रेडर। अब यहाँ पे जो 24/4 के जो मुझे रुपए मिल रहे हैं, 13,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो 13,000 रुपए जब मिल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस 12,000, ठीक है। यहाँ वापस में क्या लूंगी, अगेंस्ट रेफरेंस लूंगी, ये बिल नंबर यहाँ डाल दूंगी 1,000, एंटर एंटर करके सेव कर दू, यहाँ 13,000, ये इस तरह से आपको लेकर के बता दे। आई बात समझ में। अब मेरे आगे जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसमें ये पहले ही ले रहा है, ठीक है। आप जब करोगे उसमें कुछ ऑप्शंस है, 2-4 ऑप्शन है। इसमें मैंने एक ऐसा ऑप्शन मैंने एक्टिवेट करा है जिसमें क्या हो रहा है कि सीधा ही वो मुझसे अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, मेरा अमाउंट पे डायरेक्ट कर्सर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप जब अपने बेसिस पे करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपके सीधा अमाउंट पे कर्सर जाएगा, वहां पे 13,000 लिखोगे, फिर ये सिचुएशन अपने आप यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आपको डालनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर यहाँ एंटर एंटर करके सेव कर दिया। फिर उसके बाद में अब देखो ब्याज बनता है। अब ब्याज देखो दो तरीके से आएगा, स्किप से बाहर आए, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ आकर के देखो मैं ऑल्ट F1 कर रही हूँ डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला बिल है उसका तो पूरा पेमेंट हो गया 12,000 से, मुझे पूरे रुपए मिले कितने थे, 13,000 मिले थे। पहले टाइम में उसने कितने का माल खरीदा था, 12,000 का, फिर कितने का खरीदा था, 10,000 का, और रुपए उसने कितने थे, 13,000 दिए। तो पहला वाला बिल मेरा एडजस्ट हो गया 12,000 से पूरा, तो 12,000 के हिसाब से जो मेरे इंटरेस्ट बन रहा है वो 28 रुपए बन रहा है। फिर उसके बाद में मेरा जो अगला बिल है 1067, इसमें क्या बता रहा है कि 10,000 का जो है आपका बिल था उसके अंदर आपको सिर्फ 1,000 रुपए रिसीव हुए हैं। तो 1,000 के हिसाब से ये रुपए कितने बता रहा है, 6.67 बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको करने के दो तरीके हैं कि या तो आप अलग अलग करो, पहले 28 रुपए का करो, फिर 6.67 का करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 15 अप्रैल वाले का और 20 अप्रैल वाले का जितना भी इंटरेस्ट बनता है इन दोनों को ऐड करके कर लो। कैसे, यहीं पर ही मैं कंट्रोल के साथ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 28 प्लस 6.67 तो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 34.67। स्किप से मैं बाहर आई, अकाउंटिंग वाउचर में गई, यहाँ पे मैं डेट ऑब्वियसली 24 ही डालूंगी क्योंकि मुझे अमाउंट कब रिसीव हो रहा है, 24 को हो रहा है। यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, अब मेरी टोटल कितनी है, 34.67, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। और अलग अलग करेंगे तो ये 24 ही डालनी होगी आपको रेट, एक में 28 कर देना और एक में 6.67 कर देना, अगर आप अलग अलग तरीके से मेंटेन करना चाहते हो तो। अब उसके जस्ट बाद में क्या रहा है, वो बंदा 26 तारीख को आकर के मुझे अमाउंट दे रहा है, 26 तारीख को दे रहा है अमाउंट, तो मैं रिसिप्ट में एंट्री करूंगी। डेट यहाँ आ जाएगी मेरी 26 को, यहाँ पे आ जाएगा राम ट्रेडर, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9,000 बिल पेंडिंग बता रहा है, 9,000 इसने ले लिया। एंटर एंटर करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे आ गया कैश, यहाँ पे एंटर मैं करके सेव कर दूंगी। उसके बाद में देखो, अब उसने 26 तारीख को उसे रुपए देने कब थे, 22 तारीख को देने थे, पर उसने रुपए दिए कब, 26 तारीख को, इंटरेस्ट देना बनता है 9,000 का। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, स्किप से बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, इस तरह से अब देखो इंटरेस्ट रेट बता रहा है। यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया, और के साथ में F1 किया, तो F1 करने पे देखो 6.67 का आपको पता हो तो मैंने इंटरेस्ट ले लिया। अब उसके बाद में
6 rupees का और इंटरेस्ट बनना है, सिर्फ 6 rupees वाले इंटरेस्ट की हमें एंट्री करनी है, क्योंकि 6.67 में अगर आपको बताया तो 28+6.67 हमने किया था, ठीक है। उसके केस में क्या करेंगे, 6 rupees हमें मिल रहे हैं तो स्क्रिप्ट से बाहर आए, अकाउंटिंग वाउचर में गई, एक्सेस रिसीट में मैं एंट्री करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 26 को, यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव 6 rupees है, यहाँ 6 rupees कैश एंटर करके मैंने इसे सेव कर दिया। उसके जस्ट बाद में वही है, 34 को मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे वापस मैंने उसको माल बेचा, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे बिल नंबर डाले 1075, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ डेट डाल दी 31/4, यहाँ आ जाएगा पार्टी का नाम राम ट्रेडर, फिर यहाँ पे आकर के 8500 ये आ जाएंगे, फिर न्यू रेफरेंस एंटर करके मैंने यहाँ इसको सेव किया, इंटरेस्ट पैरामीटर हमारा ये यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ सेल्स आ जाता है, एंटर करके यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगी। ये चीज है, यहाँ तक कि मैंने आपको एक महीने तक का मैंने ट्रांजेक्शन करके बताया, आगे यही प्रोसेस है, सेम टू सेम आपकी जो चीजें आएगी वो यही चीजें दे रखी है। जब आपको माल बेचना, जब माल बेचना, माल बेचने की एंट्री कर दो, जब रुपए मिल रहे रुपए मिलने की एंट्री कर दो, रुपए मिलने के साथ साथ आपको उससे इंटरेस्ट भी लेना है, और उस इंटरेस्ट रिसीव की उसी डेट को एंट्री करनी है जिस डेट को आप अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करते हो, इस टॉपिक के बेसिस पे, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में आज के केसेस में क्या सीखा कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल के साथ में इंटरेस्ट को भी हम कैसे ले सकते हैं, ये कंसेप्ट हमारा आता है, और इसके बेसिस पे मैंने आपको सेल्स के अंदर एंट्री करना बताया, उसके साथ रिसिप्ट करना बताया, और रिसिप्ट के केसेस में मैंने आपको इंटरेस्ट रिसीव करना भी बताया, जिसके लिए हमने कुछ ऑप्शंस यस भी किए थे, जिसके अंदर F11 के भी फीचर्स हमारे आ जाते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, और F12 की भी फर्स्ट स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन आ जाती है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन वाली जो है स्क्रीन वो फर्स्ट स्क्रीन है, सेकेंड स्क्रीन हमारी वाउचर एंट्री वाली स्क्रीन है, आई बात समझ में। और उसके बाद में हमने इंटरेस्ट देखना भी सीख लिया यहाँ से कि भाई इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और इंटरेस्ट की रिपोर्ट वगैरह हमें कहाँ दिखाई देती है, और इस तरह से हमारा ये जो एक बेसिक पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो जाता है। इसमें मैंने आपको दो सिचुएशन बताई कि एक होता है आप माल बेचते हो, माल बेचने के कुछ दिनों बाद ही रुपए मिल जाते हैं, जिसमें आपका पहला बिल मेंटेन हो जाता है, पहला बिल का उसे वो पेमेंट दे देता है। अब 2-3 बार जब वो बंदा कंटिन्यूसली माल खरीदता है फिर वो बाद में आकर के पेमेंट देता है, पहले का जैसे सपोज आधा दे दिया या फिर पहले का पूरा दे दिया, दूसरे वाले का आधा दिया, तो उस केसेस में भी हम कैसे मेंटेन करेंगे, मैंने वो सिचुएशन भी आपको बता दी है। तो इस तरह से हमारी ये जो टॉपिक है ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है।